हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय चैनल। माय नेम इज अनिल और इस वीडियो के अंदर हम एक जावास्क्रिप्ट का इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। उसका आपको आउटपुट गेस करना है और मैं आपको बताऊंगा एक छोटी सी चीज कैसे आउटपुट को रिफ्लेक्ट कर सकती है जावास्क्रिप्ट के अंदर। बेसिकली एक ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले एक फंक्शन लिखते हो, आपको उसको आउटपुट गेस करना है। वीडियो पोज करके आप आउटपुट गेस कर सकते हो और फिर बाद में कुछ चेंजेस करके, थोड़े बहुत चेंजेस करके उसका फिर आपको फिर से आउटपुट डिस्कस आउटपुट बताना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ और फंक्शन का नाम है लेट से फो। सो फो फंक्शन मैंने यहाँ पे डिफाइन करा और अभी के लिए मैं कर रहा हूँ यहाँ पे रिटर्न कर रहा हूँ कुछ, और रिटर्न के अंदर मैं एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा हूँ और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे लेट से नेम, और नेम आ रहा है इसके अंदर अनिल, ठीक है। सो थोड़ा सा मैं इसको इस तरीके से कर देता हूँ ताकि आपको सही दिखे। और अब मैं इसको कंसोल करवाता हूँ, कंसोल डॉट वॉन, और इसके अंदर मैं बेसिकली फू को प्रिंट करवा रहा हूँ। सो आपका आपके हिसाब से आउटपुट क्या होना चाहिए? ऑब्वियसली आउटपुट हमारा, आप चाहो तो वीडियो पॉज करके सोच सकते हो, बट इसका आउटपुट होने वाला है नेम अनिल सिद्धू विद इन अ ऑब्जेक्ट। सो जैसे मैंने यहाँ पे, अगर आप देख सकते हो कि ऑब्जेक्ट के अंदर नेम अनिल आ गया यहाँ पे, ठीक है। बट अब मैं इसके अंदर छोटा सा चेंज करने वाला हूँ। मैं जो ये ब्रैकेट है ऑब्जेक्ट वाली, इसको मैं नेक्स्ट लाइन में कर दे रहा हूँ, ठीक है। सो अब इसका क्या ऑब्जेक्ट आने वाला है, आंसर आने वाला है? सो आप वीडियो पॉज करके चाहो तो आप सोच सकते हो। मैं इस वीडियो को रन कर रहा हूँ और आपको आउटपुट दिख जाएगा। अब इसका आउटपुट आने वाला है अनडिफाइंड, यहाँ पे देख सकते हो इसका आउटपुट आ गया है अनडिफाइंड। रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि जावास्क्रिप्ट के हिसाब से रिटर्न स्टेटमेंट एक ही लाइन के अंदर है, या तो इसको अब तक आगे के बाद ब्रैकेट स्टार्ट करनी होती है, या फिर इसको करली ब्रैकेट स्टार्ट करो, या फिर किसी तरीके से स्टेटमेंट बनाओ कि ये कंप्लीट दूसरी लाइन के अंदर है। अदरवाइज अगर रिटर्न के बाद में कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है, तो ये इसको इस तरीके से काउंट करता है कि मेरी रिटर्न स्टेटमेंट इस लाइन के बाद में खत्म हो जाएगी और वो यहीं तक को इसी लाइन को प्रिंट करता है, और इसके अंदर में कुछ रिटर्न करने के लिए है नहीं। दैट्स वाई इसका जो आउटपुट है वो अनडिफाइंड है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक और इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कुछ कन्फ्यूजन है और क्वेरी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।